आपको डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन दिया गया है, से इसे y अज्यूम कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू दिस वन, तो dy बाई dx जो हो जाएगा आपका, अच्छा y अज्यूम करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, खैर अब हमने कर दिया तो कर दिया है, तो दैट इज d बाई dx ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b होल अपॉन कॉस ऑफ cx प्लस d। तो यहाँ पे क्या tan लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, tan नहीं लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि sin एक डिफरेंट एंगल पे ऑपरेट हो रहा है और cos डिफरेंट एंगल पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ sin by cos tan नहीं लिखेंगे, ये गलती मत करिएगा। खैर तो ये अलग फंक्शन रिकॉग्नाइज करेंगे और ये अलग फंक्शन रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे कोसेंट रूल लग जाएगा या डिवीजन रूल लग जाएगा। डिवीजन रूल क्या होता है? सेकेंड का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एंड कॉस सी एक्स प्लस डी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी d by dx of cos of cx plus d, ठीक है। तो अब इस लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन में सिर्फ आपको दो डिफरेंशिएशन ऑपरेट करना है, साइन ए एक्स प्लस बी का और cos cx plus d का, लेकिन यहां तो प्रॉब्लम है, क्या है? साइन इज नॉट द सिंपल फंक्शन ऑफ x ओनली, दैट इज also फंक्शन, तो यहां पे आप चेन रूल अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहां पे सबसे आउटर फंक्शन आपका क्या है? साइन है, फिर क्या आपका है? ए एक्स प्लस बी एक्स का फंक्शन है, तो चेन यहाँ पे एक चेन की एक कड़ी ये है और दूसरी चेन की कड़ी ये है, ठीक है। तो पहले ये डिफरेंशिएट होगा साइन, देन ए एक्स प्लस बी डिफरेंशिएट होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका? कॉस हो जाएगा, और अंदर जो भी है वो लिख देंगे ए एक्स प्लस b माइनस, अच्छा सॉरी, फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका? इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, ए एक्स का a हो जाएगा और b कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे चेन टर्मिनेट हो गई, डिफरेंशिएशन टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर यहाँ पे भी वही है, क्या है सिक्वेंस? कॉस है, सी एक्स प्लस डी का फंक्शन है और फिर ये x का फंक्शन है, तो चेन की पहली कड़ी ये हो गई और आखिरी कड़ी यहाँ पे ये हो गई, ठीक है। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका? माइनस साइन, माइनस साइन ऑफ, ये इनटू में रहेगा, माइनस साइन ऑफ जो भी अंदर लिखा है cx प्लस डी, और cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन c हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होल अपॉन, तो आपके पास क्या था? दैट इज cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? ये माइनस माइनस प्लस कर लोगे, एक काम और कर लीजिए, जो सी किनारे रखा हुआ है यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ से हटा दिया, ए जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हम शुरू में लिख लेंगे, तो ये नेक्स्ट स्टेप का मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या सोचेंगे? उसके अगले स्टेप में हम लोग ये जो डिनोमिनेटर है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये दोनों दो टर्म है हमारे पास, इन दोनों के नीचे अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, तो स्प्लिट कर लेंगे इसको, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे जो कॉस सी एक्स प्लस डी है और यहाँ स्क्वायर है, तो एक कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर क्या लिख देंगे आप? ये हो जाएगा a टाइम्स, ये 1 बाई कॉस आपका सेक हो जाएगा, तो सेक सी एक्स प्लस डी, और ये कॉस ही रहेगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंड प्लस c टाइम्स, अब देखिए साइन है ये, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ये आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर सी एक्स प्लस
डी, और ये साइन तो था ही आपका, तो साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया।